महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में कॉमर्स फैकल्टी के इंटरनल इम्तिहान कल से यानी कि 18 जनवरी से प्रस्तावित थे। हालांकि इसी बीच इस वक्त जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक कॉमर्स फैकल्टी के 10,000 छात्रों के सीट नंबर जनरेट नहीं हो पाए हैं और उसी के चलते इस वक्त इन इम्तिहानों को टाल दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर कॉमर्स फैकल्टी के डीन केतन उपाध्याय ने ज़्यादा जानकारी दी है। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा अने पादरा खाते कुल मड़ी ने 9,500 जेटला विद्यार्थियों ने अपने एडमिशन आपेल छे। एमनो शिक्षण कार्य खूबज रेग्युलरली ऑनलाइन मोड में चाली रही है। आपणे एमनी एग्जाम आवतीकाल 18 तारीख ने मंगलवार थी मिड सेमेस्टर ऑनलाइन एग्जाम जे 30 मार्कनी होय छे ते लेवानी आपणी तैयारी हती। परंतु आ વખતે જે MSU IAS નું નવું પોર્ટલ છે તેમાંથી એમના એક્ઝામ સીટ નંબર જનરેટ થઈ શક્યા નથી અને વિદ્યાર્થીઓના એક્ઝામ સીટ નંબર જનરેટ ન થાય તો એ પાછળથી અમને મુશ્કેલી સર્જી શકે એમ હતું। એટલે યુનિવર્સિટીના કન્સલ્ટેશનમાં અમે એક ડિસિઝન લીધું છે કે આ પરીક્ષા હમણાં હાલ પૂરતી મોકૂફ રાખવામાં આવે અને બને એટલું જલ્દી અમે નવી ડેટ ડિક્લેર કરી દઈશું। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।